चलते फिरते ज्ञान और बच्चों की पढ़ाई। गांव में जिस तरफ नजर जाएगी दीवार पर कोई न कोई जानकारी दिखेगी। जबलपुर के शहपुरा जनपद में आने वाला ग्राम पंचायत धर्मपुरा की शासकीय प्राथमिक शाला और इस स्कूल में पदस्थ ये शिक्षक हैं दिनेश कुमार मिश्रा। इन्होंने कोरोना काल के दौरान पूरे गांव की पक्की दीवारों पर गरीब बच्चों को स्कूली शिक्षा देने के लिए पहली से लेकर पांचवी तक के पाठ लिखकर पूरे गांव को ही स्कूल में तब्दील कर दिया। शिक्षक दिनेश कुमार मिश्रा की इस नेक पहल से गांव के ग्रामीणों के साथ ही आते जाते बच्चे दीवारों पर कभी भी किसी भी समय पढ़ते नजर आते हैं। गांव के ग्रामीणों के साथ बच्चे भी अपने इस अनोखे शिक्षक की खूब सराहना करते हैं। माँ साहब जी, ये तो धर्मपुरा गांव है। माँ साहब अच्छे काम कर रहे हैं। किस प्रकार पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों? अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसी गृह किया है बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान माँ साहब ने क्या क्या यहाँ पर किया? और कोरोना काल में आने के घर घर पढ़ाते मोहल्ला में, और दिवाले वाले में भी लिखवाई पढ़ाई करेगी। इसमें बच्चे क्या मानते हैं आप लोगों के बच्चे को? कोई पढ़ाई में दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बच्चे पढ़े, अच्छी पढ़े। क्या नाम आपका? मगन राय जी। सर, ये ग्राम धर्मपुरा है, विकासखंड शहपुरा के अंतर्गत आता है, और माँ साहब का काम अच्छा रहा हमारे यहाँ कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाना और हेल्प करना गरीब बच्चों की। और हमारे गांव की जनसंख्या लगभग 1,100 के करीब है, तो यहाँ पे 80% लोग आदिवासी और गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, जो वो रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, सब मजदूर वर्ग के लोग हैं। तो सर की कोशिश ये रही कि वो बच्चे घर से आएँ और मोहल्ला क्लासेस लगाया उनने, तो दो दो चार चार दस दस बच्चे हर एक क्लास के पास में बैठ कर पढ़ सकें, जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे कोरोना काल में। तो ऐसा उनका अथक प्रयास रहा। और जो जी जो उनने पेंटिंग करवाई गांव में, हमारे गांव में 52-53 पेंटिंग है उनकी दीवालों में, लोगों ने भी सहयोग किया, दीवाल दान में दी उनको कि आप लिखवा सकते हैं सर। उस लोगों ने विरोध किया तो समझाया, तो सब लोगों ने फिर सहयोग किया मिलकर, और अच्छा काम रहा उनका। और बच्चों को भी उससे काफ़ी फर्क पड़ा, बच्चे जहाँ खड़े रहते वहीं खेल खेल में पढ़ते रहते हैं। अशोक कुमार राय। शिक्षक दिनेश कुमार मिश्रा का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, यही सोचकर मोहल्ला क्लासेस की हमने शुरुआत की थी, क्योंकि गांव में ज्यादातर आबादी मजदूर वर्ग की है और मजदूरों के बच्चे अपने माता पिता के साथ काम पर चले जाते थे, जिसके चलते वो पढ़ने के लिए एक साथ एक जगह पर नहीं आ पाते थे। मतलब आपने एक ऐतिहासिक कार्य यहाँ गांव में धर्मपुरा में किया है, क्या उद्देश्य रहा ये पूरा आपका? सर, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो यहाँ ग्रामीण की स्थिति मैंने देखी, उसमें लगभग 80% लेबर वर्क है, जो बारिश बाद ऐसी नबत आती है कि बीट भट्टों में काम करने चले जाता है, मटर के खेतों में मटर तोड़ने चले जाता है। अब कोरोना काल में जब पढ़ाई बंद हो गई थी, तब ऐसी स्थिति में विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो। तब हमारे द्वारा, जो भारत सरकार के द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम चलाया गया था, इसके तहत हमने मोहल्ला क्लासों का संचालन किया, और प्रत्येक मोहल्ला क्लासों में वातावरण अच्छा रहे, स्कूल जैसा वातावरण दिखाई दिए, इसलिए वहाँ पर अपन ने ब्लैक बोर्ड, मास्क, साबुन, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की। साथ ही साथ उस दौरान हमारे, चूँकि लोगों के पास काम नहीं था, खाने की समस्या थी, तो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा उनको राशन भी प्रदान किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा बच्चों को किताब सरकार ने दी थी, कापियाँ, चार कापी, पेन, शीश, रबड़, पेंसिल भी हमारे द्वारा दिया गया। चूँकि उस दौरान भी देखा मैंने कि मोहल्ला क्लासों में कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि पालक अपने मोहल्ला क्लासों में बच्चों को नहीं भेज रहे थे। ऐसी स्थिति में आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, अपन ने कुछ और आगे करने का प्रयास किया। इसके लिए अपने कुछ इष्ट मित्रों से बात की, और गांव विचार आया कि चूंकि आजकल गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 80% गांव पक्के हैं, तो हमने सीमेंट की दीवारों को गिना और प्रत्येक घर जाके पालकों से बात की कि हम आपकी दीवार का दान चाहते हैं। उनने पूछा क्यों, हमने कहा हम आपकी दीवारों में शिक्षा पद वॉल पेंटिंग कराना चाहते हैं, ताकि आपका बच्चा खेलते कूदते भी जिस गली से निकले उस गली में पढ़ाई कर सके। इस तब उनने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, और हमने अपने कुछ इष्ट मित्रों के सहयोग से इस काम को पूरा किया, और लगभग आज 55 वॉल पेंटिंग हमारे पास हैं, और पहली से पांचवी तक का कोर्स हमने इसमें पूरा कवर करने की कोशिश की है, और आज बच्चा जिस गली से निकलता है, जहां भी खेलते कूदते भी, वो पढ़ाई को जारी रख सकता है। और इसका फायदा साक्षरता अभियान के तहत प्रौढ़
व्यक्तियों को जो असक्षर है गांव को, उनको भी हो रहा है, क्योंकि अपने सामने चबूतरे में जब बैठते हैं वो और देखते हैं सामने दीवारों में, तो वहाँ उनको कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया गया है ताकि बच्चे हमारे गाँव के गरीब बच्चे हैं ये शिक्षा से वंचित ना रहें। आपके द्वारा किए गए इस कार्य से कितना लाभ हुआ बच्चों को और क्या असर पड़ा है? सर, पहले स्कूल जब बंद थे, बच्चा जहाँ से निकलता था वहाँ से उसको कहीं आनार का लिखा हुआ है, बिना मात्रा से लेकर के आखिरी मात्रा तक के शब्द लिखे हुए हैं, अंग्रेजी में भी फैमिली के नाम, पशु पक्षियों के नाम, ये सारी बातें हमने दीवारों में लिखी, तो बच्चा जिस गली से गुजरता उसे माता पिता भी पूछते कि बेटा क्या लिखा है, नहीं बता पाता तो माता पिता उनकी मदद करते। अच्छा, जब स्कूल खुल गए तो उसमें उसका असर आपको देखने मिला? हाँ सर, बच्चों को शिक्षक की इस अनूठी पहल से न सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके माता पिता को भी शिक्षक की अहमियत को समझाया। यही वजह है कि आज ग्राम पंचायत धर्मपुरा में इस गांव में रहने वालों में ज्ञान का उजियारा फैल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।